नमस्ते राधे राधे। हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, थंबनेल देखकर आप जान गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर सेकंड बॉटनी का, जिसमें हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डीएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको सिलेबस दिखाती हूँ। जो पेपर सेकंड है, जैसा कि आप सबको पता है कि बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में आपको दो पेपर्स पढ़ने हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट ऑलरेडी मैं 3-4-5 लेक्चर उसके प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अब मैंने सोचा क्यों ना पेपर सेकंड भी स्टार्ट किया जाए, क्योंकि एग्जाम में तो आपके दोनों से पूछे जाएंगे, तो मैंने सोचा दोनों स्टार्ट किया जाए। तो पेपर सेकंड में आपको जनरली क्या पढ़ना है, पहला जो यूनिट है उसमें आपको जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ना है। जेनेटिक मटेरियल में भी हिस्टोरिकल उसका पर्सपेक्टिव, मतलब हिस्ट्री डीएनए की पढ़नी है। जेनेटिक मटेरियल जो है कैसे वो कैसे शुरू में क्या माना जाता था उसको, फिर धीरे धीरे उसका कैसे डबल हेलिक्स डीएनए आया, फिर इस जिसमें आपको ग्रिफ्स एंड एवरी का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, बेसिकली हर्षी चेज का बैक्टेरियोफाज एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल सबसे लेटेस्ट मॉडल है, इसलिए वो आपको बोला गया है कि आपको वॉटसन एंड क्रिक तक के मॉडल को पढ़ना है जेनेटिक मटेरियल के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में। आज हम कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे, आगे के लेक्चर्स में मैं आपको अलग ग्रिप्स एंड एवरी का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट अलग लेक्चर दूंगी, हर से चीज का बैक्टीरियोफाज एक्सपेरिमेंट अलग लेक्चर दूंगी, इस तरीके से मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इन नोट्स के जो भी मैं पढ़ाती हूँ, मेरे वीडियोस जितने भी हैं, जितने भी नोट्स मैं बनाती हूँ उसके आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो वहाँ से आप वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएनए की हिस्ट्री क्या है? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ की हिस्ट्री को जानना कि कैसे ओरिजिन, जैसे ह्यूमन की आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम ऐसा माना जाता है कि हम लोग बंदरों से हम लोग का ओरिजिन हुआ है, तो उसी तरीके से हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं डीएनए की। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है द हिस्ट्री ऑफ डीएनए स्टार्टेड 500 BC से ये स्टार्ट हुआ था, व्हेन ह्यूमन बिगेंस द प्रैक्टिस सेलेक्टिव ब्रीडिंग टू प्रोड्यूस मोर पावरफुल क्रॉप्स एंड क्रिएचर। जब इंसानों ने ये सोचा कि ऐसे पावरफुल क्रॉप्स, मतलब कि जो अनाज हैं, जैसे आपका धान हो गया, चावल हो गया, ये सारी चीज़ें, और क्रिएचर यानी कि जैसे आपने डॉली सीप के बारे में क्लास 11-12 में पढ़ा होगा, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्या है, एक सीप बनाई गई थी जेनेटिकली, मतलब इसको एक लैब में बनाया गया था, प्रोड्यूस नहीं, मतलब इस मदर से नहीं निकली थी, जैसे वूम से निकलती है मदर के, तो ये जेनेटिकली लैब में बनाया गया था। उसी तरीके से जब इसके बारे में सोचा तब क्या हुआ, आपके डिस्कवरी स्टार्ट हुई जेनेटिक मटेरियल की। ठीक है, देयर हैव बीन मेनी एग्जाम्पल्स थ्रू आउट, ये लिखा हुआ एग्जाम्पल्स, थोड़ा सा एक स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइपिंग में गलत हो गया है, हिस्ट्री वेयर नोटेबल डिस्कवरीज हैव बीन मेड अबाउट डीएनए एंड इनहेरिटेंस, जिसमें बहुत सारे डिस्कवरी अभी तक हो चुके हैं जिसमें डीएनए और उसके इनहेरिटेंस। डीएनए क्या है? आपका जेनेटिक मटेरियल आप सबको पता होगा कि जनरली डीएनए और आरएनए होता है, लेकिन आरएनए सिर्फ और सिर्फ जनरली वायरसेस में देखा जाता है। आरएनए हम लोगों में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल हम लोग का डीएनए होता है, लेकिन वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। ठीक है, दिस हैव फॉर्म्ड द बेस व्हाट वी नो द एंड कंटिन्यू एडवांस टुडे। ये सारी चीज़ें जो शुरू शुरू में डिस्कवरी हुई वो एक बेस बना दिया। ठीक है, कि इस तरीके से क्या हुआ, आपके जेनेटिक मटेरियल का ओरिजिन हुआ। इन दिस वी स्टडी हिस्ट्री ऑफ डीएनए फ्रॉम मिसर टू वॉटसन एंड क्रिक डिस्कवरीज द ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, मिसर से लेके जिन्होंने पहली बार इसे न्यूक्लिन कहा था, मिसर से लेके वॉटसन एंड क्रिक के मॉडल तक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं जेनेटिक मटेरियल को इस तरीके से, ये देख सकते हैं हमारा जेनेटिक मटेरियल, ये डीएनए आपका। ठीक है, ये डीएनए, यहाँ पे आपको न्यूक्लियस क्रोमोसोम कंपैक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में ये क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स में ये बीड्स ऑफ स्ट्रिंग देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ से निकल के क्या निकलता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम पे पाया जाता है। ठीक है, जो मेनली फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी का। ठीक, अब हम लोग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे आज, जिनमें से सबसे पहले आते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, फिर फ्रेडरिक मिसर और रिचर्ड अल्टमान, उसके बाद थियोडोर बोवरी एंड वॉल्टर सटन,
फ्रेडरिक ग्रिफ्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनका आपको पढ़ना ही है ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट। फियोबस लेवेन के बारे में, ओसवाल्ड एवरी हैं, एवरिन चारगाफ एंड चारगाफ्स हैं, रोसलैंडिन फ्रैंकलिन है, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल है, उसके बाद भी कई सारी डिस्कवरीज अभी भी जारी हैं। साइंस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर डिस्कवरीज रुकती नहीं है। पहले हम लोग जानेंगे ग्रीक फिलोसफर्स जो थे, दार्शनिक, फिलोसफर का मतलब होता है दार्शनिक, ठीक है। जो ग्रीक फिलोसफर थे उन्होंने एक्सप्लोर किया आइडिया ऑफ ह्यूमन इनहेरिटेंस सम 1600 ईयर्स आफ्टर 5500 BC, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इस पर डिस्कवरी करनी स्टार्ट की ह्यूमन का इनहेरिटेंस, यानी कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है हिंदी में, अनुवांशिकता, यानी कि आप किसके पुत्र हैं या किसकी पुत्री हैं, ये बातें, डॉटर किसके हैं, सन किसके हैं, ये सारी चीज़ें कैसे पता चलती है, आपके जेनेटिक मटेरियल से, ठीक है। इनहेरिटेंस आपका कहाँ से हुआ है वहाँ से पता चलता है। तो एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसफर थे जिन्होंने कहा कि ट्रेट्स एक्वायर्ड थ्रू आउट एन ऑर्गेनिज्म लाइफ टाइम कुड बी ट्रांसमिटेड ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी कैरेक्टर एक पेरेंट में पाया जाता है वो उसके बच्चे में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो अगर आप देखिए क्या होता है, माता पिता की शक्ल बच्चों से मिलती है, बच्चों की शक्ल माता पिता से मिलती है, तो कहते हैं लोग अरे आप इनके बच्चे हैं, आप इनके बच्चे हैं। तो यही बात इन्होंने बताई कि जो कैरेक्टर्स हैं जिन्हें ट्रेट्स कहा गया, वो जो एक्वायर्ड होता है मदर फादर में, वो बच्चों में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। एरिस्टोटल सप्लीमेंटेड दिस हाइपोथेसिस विथ थियरी ऑफ पैनजेनेसिस। इन्होंने एक थियरी दी, थियरी ऑफ पैनजेनेसिस, उसके थ्रू इन्होंने ये इस बात को क्या किया, प्रूव किया, विच डिस्क्राइब हाउ दीज ट्रेट्स कुड पास फ्रॉम वन अनदर ऑर्गेनिज्म। थियरी ऑफ पैनजेनेसिस आप अगर इवोल्यूशन को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। अब पहला हम लोग जानेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में आप सब ने सुना होगा, इन्होंने अपना वर्क पी यानी कि मटर पाइसम सटाइवम पे किया था, इसका बोटेनिकल नेम है पाइसम सटाइवम पे किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल बेसिकली एक मॉन्क थे। मॉन्क का मतलब होता है जैसे हमारे यहाँ मंदिरों में पुजारी होते हैं, उसी तरीके से चर्च में क्या होते हैं, चर्च वगैरह में जो ग्रीक वगैरह था वहाँ पे मॉन्क्स होते थे जिनको साधु कहा जाता है, बेसिकली मॉन्क्स को साधु कहा जाता है एक तरीके से। ये परफॉर्म किए थे केयरफुल सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ पी प्लांट इन 1857 में इन्होंने पी प्लांट पे एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऐसा नहीं है कि एक बार में, जैसे पी प्लांट इन्होंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि इनके गार्डन में पी प्लांट अवेलेबल था। दूसरी बात, पी प्लांट का जो लाइफ टाइम है वो 6 मंथ का था, ठीक है, एक 6 महीने में पूरा हो जाता था, तो इनके लिए आसान था उसको 20-25 बार तक ऑब्जर्व करना, कई सालों तक ऑब्जर्व करना, ठीक है। मेंडल सेलेक्टेड स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट्स टू स्टडी। आप जानते हैं 7 कैरेक्टर इन्होंने क्या किया था, लिया था, राउंडेड शेप, सीड, और उसके बाद पॉड के बारे में, उसके बाद इसके टेंड्रिल के, उस पर इन्होंने 7 कैरेक्टर टोटल लिए थे। फॉर ईच कैरेक्टर, जिसको कि फीनोटाइप भी कहा जाता है, कैरेक्टर जो बाहर से दिखाई देते हैं उन्हें फीनोटाइप कहा जाता है, ही ऑब्टेन लाइंस ऑफ प्लांट वेयर वर प्योर प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग विद कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। उन्होंने ये बात उसमें जाना कि जो भी पेरेंट हैं, ठीक है, उनके बच्चे जो हैं वो चाइल्ड उनके उनकी तरह कैरेक्टर शो कर रहे हैं। अब यहाँ मैं चाइल्ड यूज़ कर रही हूँ, यहाँ आप पी प्लांट देख सकते हैं, पी प्लांट से जो नया पी प्लांट बन रहा था वो उसका कैरेक्टर पहले वाले उसके पेरेंट्स से शो कर रहा था, ठीक है। उन्होंने ही सेज दैट फैक्टर, वहाँ यहाँ पे उन्होंने DNA या जीन का नाम नहीं लिया, ठीक है, उन्हें पता नहीं था कि क्या चीज़ वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, मतलब मदर से बच्चे में जा रही है, वो चीज़ क्या है ये नहीं बता पाए, उन्होंने उसको फैक्टर नाम दिया। कभी भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हु गेव द टर्म फैक्टर फॉर DNA या जीन, जेनेटिक मटेरियल, तो आप क्या कहेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल। दूसरे आते हैं आपके, तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने फैक्टर वर्ड दिया, ठीक है, फैक्टर वर्ड दिया, और आपके ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने बताया कि पैनजेनेसिस के थ्रू इन्होंने बताया कि कैरेक्टर जो है ट्रांसफ़र हो रही, बेसिकली इन्होंने बताया कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहा है, और ग्रेगर जॉन मेंडल ने उसी को क्या कहा, फैक्टर कहा। आगे बढ़ते हैं, फ्रेडरिक मेसर और रिचर्ड अल्टमान दो साइंटिस्ट आए, ठीक है। फ्रेडरिक मेसर क्या थे, स्विस फिजिशियन थे, यानी कि स्वीडन में ये क्या थे, फिजिशियन थे। इन्होंने एक सबस्टांस डिस्कवर करा, उसी जेनेटिक मटेरियल को इन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लिन, 1869 में, ठीक है।
1869 में उन्होंने इसको न्यूक्लीन नाम दिया, ठीक। टू डू सो ही डिवाइज्ड ए प्रोटोकॉल टू आइसोलेट डीएनए, बाद में इन्होंने इसको क्या किया, डीएनए को आइसोलेट किया। लेटर ही आइसोलेटेड अ कंपैरेटिवली प्योरर सैंपल ऑफ दिस सेम मटेरियल फ्रॉम द स्पर्म ऑफ सैलमन। पहले इन्होंने न्यूक्लियन को किसी ऑर्गेनिज्म से डिस्कवर किया, फिर सेम सबस्टांस एक फिश होती है सैलमन फिश, उसके स्पर्म से भी उन्होंने क्या किया, एकदम प्योर वही सैंपल निकाला, ठीक है। दिस फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ फॉर हिज पेपर इन 1871। उन्होंने 1871 में एक पेपर पब्लिश किया, ठीक है। उस पेपर का बेसिस यही था कि जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक न्यूक्लीन नाम का सबस्टेंस पाया जाता है, जिसको बाद में हम जेनेटिक मटेरियल के नाम से जानेंगे। इन्होंने इसको बताया न्यूक्लीन। बाद में उन्हीं के प्यूपिल यानी कि शिष्य, इनको आप शिष्य कह सकते हैं, जिनका नाम था रिचर्ड अल्टमैन, उसी को रीनेम करके न्यूक्लिक एसिड नाम दिया, न्यूक्लिक एसिड जो कि आपके न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए में आपके पाया जाता है, ठीक है। दिस सबस्टांस वॉज फाउंड टू एग्जिस्ट ओनली इन द क्रोमोसोम, और ऐसा बताया कि ये केवल और केवल कहाँ पाया जाता है, क्रोमोजोम में पाया जाता है, और क्रोमोजोम आपका कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। आपने इसके पहले प्रीवियस क्लासेस में सेल के बारे में जरूर पढ़ा होगा, सेल में आपने न्यूक्लियस कहाँ होता है ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। द डिस्कवरी बिल्ट ऑन अर्लियर वर्क बाय वॉल्टर फ्लेमिंग हु डिस्क्राइब द अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। ये डिस्कवरी वॉल्टर के लिए बहुत हेल्प की, जिन्होंने बताया कि क्रोमोसोम की बिहेवियर कैसा होता है उसको, ठीक है। अब यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लिक एसिड नाम मिल गया था, ठीक है। तीन साइंटिस्ट आपने पढ़े, ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल ने बताया कि कोई चीज जो है ट्रांसफर हो रही है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने उसे फैक्टर कहा, फ्रेडरिक मिसर और रिचर्ड अल्टमैन ने उसको मिलके, फ्रेडरिक मिसर ने उसे न्यूक्लीन और रिचर्ड अल्टमैन ने उसे न्यूक्लिक एसिड कहा। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं थियोडोर बोरी एंड बोवेरी एंड वॉल्टर सटन, ठीक है। 1902 में बात की जाए तो थियोडोर बोवेरी एंड वॉल्टर सटन इंडिपेंडेंटली, यानी कि थियोडोर बोवेरी अलग काम कर रहे थे और वॉल्टर सटन अलग काम कर रहे थे। इंडिपेंडेंटली का मतलब एक दूसरे पर डिपेंड होके नहीं कि हम दोनों चलो साथ में काम कर रहे हैं, ये दोनों लोग अलग अलग काम कर रहे थे। सजेस्टेड दैट क्रोमोसोम वर नॉट ओनली द कैरीज ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल बट वर ऑर्गेनाइज सो दैट डिफरेंट लोकेशन ऑफ क्रोमोसोम करिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक हेरिडिटरी ट्रेट्स। इन्होंने ये बताया कि पहले सबको लगा कि क्रोमोसोम है जो पूरा क्रोमोसोम तो आप जानते ही होंगे इस तरीके से स्ट्रक्चर हमेशा आप देखते हैं कि क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, लेकिन सटन और बोवेरी दोनों लोग अलग अलग वर्क कर रहे थे। उन्होंने बताया कि नहीं, क्रोमोसोम में कई सारे लोकेशन पाए जाते हैं, कई सारी जगहें पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से ये जगह हो गया, ये जगह हो गया, ये जगह हो गया, ये जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करती हैं। इनके थ्रू क्या होता है, ट्रेट यानी कि कैरेक्टर जो है एक ऑफस्प्रिंग्स मदर से ऑफस्प्रिंग्स में यानी कि चाइल्ड में क्या होता है, पास होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है। बोवेरी डिड दिस एग्जामिनिंग क्रोमोसोमल बिहेवियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। बोवेरी ने इसको कब देखा, जब सेल डिवीजन हो रहा था तो उन्होंने देखा कि पूरा क्रोमोसोम नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका कुछ पार्ट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन और सेल डिवीजन। लेटर सटन ने इम्फेसाइज हाउ दिस वाज आइडेंटिकल विथ मेंडल्स डिस्कवरी। बाद में इसको देखा गया कि मेंडल तो पहले ही ये चीज बता चुके हैं कि कोई फैक्टर जो है ट्रांसफर हो रहा है। मेंडल, देखिए मेंडल एक ऐसे साइंटिस्ट थे, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इनके मरने के बाद 35 साल के बाद ये पता चला कि मेंडल ने इतनी बड़ी डिस्कवरी कर दी थी जेनेटिक मटेरियल के बारे में बता दिया था, जब बाद में सारे साइंटिस्ट मैकलियाट एंड मैकार्टी है, तीन साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग डिस्कवरी की, तब उन्होंने बताया कि जो चीज़ें आज हम डिस्कवर कर रहे हैं वो मेंडल बहुत पहले ही बता चुके हैं। उस टाइम एक नेचुरल साइंटिस्ट थे डार्विन, वो बहुत फेमस थे, तो उनकी चर्चा ज्यादा थी, बेचारे मेंडल की बातों को किसी ने सुना ही नहीं। तो यहां पे पता चला कि मेंडल तो पहले ही बता चुके हैं कि ट्रेट जो है कोई फैक्टर जो है पास होता है, ठीक। दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ साइटोजेनेटिक्स व्हिच डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर फंक्शन एंड इनहेरिटेंस ऑफ क्रोमोसोम। साइटोजेनेटिक्स आपको पढ़ना भी था फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा भी होगा, साइटोजेनेटिक्स आपका पहला पेपर ही था जूलॉजी का। तो साइटोजेनेटिक्स की डिस्कवरी जिसमें आपने स्ट्रक्चर फंक्शन एंड इनहेरिटेंस ऑफ क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा, ठीक है।
नेक्स्ट आपका एक्सपेरिमेंट है एफ ग्रिफ्थ एंड एवरी एक्सपेरिमेंट। तो ये बड़ा एक्सपेरिमेंट है, इसको आपको अलग पढ़ना है, तो इसके लेक्चर में अलग अलग प्रोवाइड करूंगी। और आपका जो बैक्टीरियोफाज का एक्सपेरिमेंट है उसे भी मैं अलग प्रोवाइड करूंगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आगे के लेक्चर में के लिए बने रहिए इसी तरह हमारी वीडियोस के लिए। थैंक यू एवरीवन, कीप ग्रोइंग कीप लर्निंग। लेकिन उससे पहले, इसके पहले हम लोगों ने और इसके जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव थे उसके बारे में पढ़ा था, और मैंने कहा था ये एक्सपेरिमेंट, ये और बैक्टीरियोफाज का एक्सपेरिमेंट मैं आपको अलग अलग पढ़ाऊंगी ताकि आपको एक अलग लेक्चर में मिल सके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लेकिन उससे पहले, अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इन नोट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और आपको कोई भी क्वेरी या प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, ताकि हम जो है उसको सॉल्व कर सकें। तो चलिए जानते हैं ये दो साइंटिस्ट थे कौन, ग्रिफ्थ और एवरी। ठीक है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया ट्रांसफॉर्मेशन का, मतलब किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म किया एक से दूसरे में। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एक चीज़ से दूसरे चीज़ में ट्रांसफॉर्म करना क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो इसी को ग्रिफ्थ एंड एवरी का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी किया कहा जाता है। अब इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था, एक बैक्टीरिया था जिसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, उन्होंने जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी में, इसके पहले अभी तक आपने पढ़ा कि मेंडल ने फैक्टर कहा, बाकी और साइंटिस्ट ने, किसी ने न्यूक्लिन कहा, किसी ने न्यूक्लिक एसिड कहा। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट स्टेप था डिस्कवरी का, जिसमें जेनेटिक मटेरियल को किसमें देखा गया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एक बैक्टीरिया था उसमें। इन लोगों ने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, ग्रिफ्थ और एवरी ने इस बैक्टीरिया को, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया को क्या किया, कल्चर किया, या जिसको आप कह सकते हैं प्रिपेयर किया, कहाँ पे, लैब में। ठीक है, इसको लैब में कल्चर किया विथ सोड टू पैटर्न ऑफ ग्रोथ, जिसमें इस बैक्टीरिया ने दो पैटर्न शो किया ग्रोथ का। ठीक है, ग्रिफ्थ और एवरी ने जो है स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया लिया और इसको लैब में क्या किया, कल्चर किया, यानी कि प्रिपेयर किया। और उस बैक्टीरिया को प्रिपेयर करने के बाद पता चला कि वो बैक्टीरिया दो तरह का कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, एक प्लेट में उन्होंने क्या किया, पहले वाले बैक्टीरिया को लिया जो पहला कैरेक्टर शो कर रहा था। तो वो कैसा कैरेक्टर शो कर रहा था, स्मूथ, और उसकी कॉलोनी जो थी इस तरीके से थी, स्मूथ थी और कैसी थी, साइनी थी। ठीक है, स्मूथ और साइनी थी, तो उसे नाम दिया गया एस्थर्ड। ठीक, उसकी नेमिंग की गई एस्थर्ड, स्मूथ से इन्होंने एस लिया और थर्ड उसका नाम किया एस्थर्ड, और थर्ड और भी कुछ उन्होंने देखा होगा तो उसके बेसिस पे इन्होंने नाम दिया उसका एस्थर्ड। और जो दूसरा बैक्टीरिया इन्होंने कल्चर किया, उसकी कॉलोनी कैसी थी, उसकी कॉलोनी रफ थी। ठीक है, कैसी कॉलोनी थी, रफ कॉलोनी थी, जिसकी वजह से दूसरा बैक्टीरिया इन्होंने कल्चर किया, उसकी कॉलोनी रफ थी, जिसकी वजह से इन्होंने नाम दिया उसको आर सेकेंड। ठीक है, अब इनको दो तरीके के बैक्टीरिया मिल गए। अब इनमें जो ये डिफरेंस था, स्मूथ कॉलोनी और रफ कॉलोनी, ये डिफरेंस क्यों था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस कोट ऑन एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन जो था उसके ऊपर म्यूकस की एक कोट प्रेजेंट थी। ठीक है, जबकि आर स्ट्रेन जो था उसमें वही चीज़ एब्सेंट थी। ठीक है, अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, मैं इसको डायग्राम से समझाती हूँ। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये डायग्राम है। ठीक, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इसको दिखाया है। पहले इन्होंने क्या किया, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो लिया बैक्टीरिया, लिविंग एस स्ट्रेन लिया, और एक बात समझ लीजिए, जो यस स्ट्रेन था, ठीक है, वो वायरुलेंट था। वायरुलेंट का मतलब होता है बायोलॉजी में जो डिजीज कॉज करता है। ठीक है, वायरुलेंट था, डिजीज कॉजिंग था, जबकि जो आर स्ट्रेन था वो क्या था, नॉन वायरुलेंट था। ठीक है, नॉन वायरुलेंट यानी कि डिजीज नहीं कॉज कर रहा था। ठीक, एस स्ट्रेन स्मूथ था,
उसको एज थर्ड नाम दिया गया और वो वायरुलेंट था और उसपे म्यूकस की कोट थी। ये सारे कैरेक्टर हो गए आपके एस स्ट्रेन के। आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट था, उसपे म्यूकस की कोट नहीं थी और वो डिजीज नहीं कॉज कर रहा था। तो जब पहले इन्होंने एक लिविंग एस स्ट्रेन को लिया और उसको एक माइस में इंजेक्ट किया, ठीक है, ये माउस ले लिया उसमें इंजेक्ट किया, तो इनका रिजल्ट क्या निकला कि माउस मर गया, ठीक है। अब उसमें कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से क्या हुआ, माउस मर गया। दूसरा इन्होंने क्या किया, एक लिविंग आर स्ट्रेन लिया जो कि नॉन वायरुलेंट था और उसको एक माउस में इंजेक्ट किया, सुई लगाई, ठीक है, और माउस क्या था, जिंदा था क्योंकि उसमें एस स्ट्रेन नहीं था। मतलब कुछ ना कुछ एस स्ट्रेन में ऐसा मटेरियल प्रेजेंट था जिसकी वजह से जो है माउस मर गया पहली बार में। दूसरी बार में फिर इन्होंने एस स्ट्रेन लिया लेकिन उसको हीट कर दिया, यानी कि उसको उबाल दिया, जिसकी वजह से जो उसकी म्यूकस की लेयर थी ऊपर की वो ख़त्म हो गई हीट होने की वजह से, तो उसकी वजह से फिर से माउस जिंदा हो गया। दूसरी बार इन्होंने क्या किया, लिविंग आर स्ट्रेन लिया, ठीक है, आर स्ट्रेन लिविंग लिया, ठीक, जिंदा था आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया था, और डेड एस स्ट्रेन लिया, इस स्ट्रेन का डेड पार्ट लिया, और जब इन दोनों को मिक्स करके माउस में डाला तो माउस क्या हुआ, मर गया, ठीक है। अब इसका मतलब जो कुछ भी था वो क्या था, एस स्ट्रेन में ऐसा कुछ तो था जिसकी वजह से माउस मर जा रहा था। आर स्ट्रेन को अलग डाला तो माउस को कुछ नहीं हुआ, एस स्ट्रेन को हीट किल करके डाला मतलब उसको एकदम जला दिया तो मतलब उसके सारे मटेरियल मर गए तो भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब लिविंग आर स्ट्रेन और डेड एस स्ट्रेन को हीट किल्ड नहीं किया, डेड था, उसको माउस में डाला तो माउस क्या हुआ, मर गया। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या था गिफ्ट और इनका, कि बोथ एस आर एड स्ट्रेन गिफ्ट इंजेक्टेड, मैंने जैसा कि बताया इंजेक्ट किया बोथ आर एंड एस स्ट्रेन, द वन विच वॉज इन्फेक्टेड विथ एस स्ट्रेन वेल डेवलप्ड न्यूमोनिया एंड डाइड वाइल दैट इन्फेक्टेड विथ आर स्ट्रेन स्टेड अलाइव। यही बात मैंने आपको समझाई कि जब इन्होंने जिसमें न्यूमोनिया कॉज था, ठीक है, एस स्ट्रेन में जो एस स्ट्रेन था जब उससे इन्होंने इन्फेक्ट कराया तो क्या हुआ, माउस मर गया जबकि आर स्ट्रेन वाला जिंदा था। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, ग्रिफ्त हीट किल्ड द एस स्ट्रेन, हीट किल्ड किया तो इन्फेक्टेड माइस जो है वो माइस इन्फेक्टेड तो हुआ लेकिन मारा नहीं, जिंदा रह गया। फिर उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड को मिक्स किया और लाइव आर स्ट्रेन लिया, दोनों के मिक्सचर से क्या हुआ, माइस मर गया। इन दिस एडिशन ही फाउंड लिविंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इन डेड माइस, ठीक है, डेड माइस में उन्होंने क्या किया, लिविंग एन एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का पाया। तो इसका मतलब उस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कुछ तो ऐसा जेनेटिक मटेरियल था जो उसमें जाके क्या कर रहा था, उसको किल कर दे रहा था, ठीक है, किल कर दे रहा था। तो यहाँ पे इनके एक्सपेरिमेंट में बेसिकली यही चीज़ हुई। अब इन्हीं से रिलेटेड और एक साइंटिस्ट थे इसलिए मैं इसको साथ में पढ़ाऊँगी, एवरी मैकलियर्ड और मैकार्टी, ठीक है, इन्होंने भी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट दिया, ठीक है। इन्होंने इन विट्रो मतलब, ठीक है, सेल के अंदर क्या किया, इसी जो है इसी चीज़ को परफॉर्म किया, इसी फंक्शन को जो ग्रिफ्थ और एवरी ने किया था, ठीक है। रिपीटेड ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट इन विट्रो आइडेंटिफाई फॉर कन्वर्टिंग नॉन वायरुलेंट इनटू वायरुलेंट, कि कैसे नॉन वायरुलेंट से, ठीक है, वायरुलेंट में चेंज हो जा रहा है, इसी चीज़ को पता लगाने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने क्या देखा अपने एक्सपेरिमेंट में, वायरुलेंस इन न्यूमोकॉकस डिपेंड ऑन अ पॉलीसेकेराइड कैप्सूल विच प्रेजेंट ऑन एस वायरुलेंट। इन्होंने एस वायरुलेंट पे देखा कि एक पॉलीसेकेराइड, ठीक है, पॉलीसेकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट आपका प्रेजेंट पा रहा था, जबकि जो आर स्ट्रेन था उस पर ये चीज़ एब्सेंट थी, ठीक है, उस पर ये चीज़ एब्सेंट थी। नेक्स्ट क्या किया इन्होंने, द सेल ऑफ नॉन कैप्सुलेटेड टाइप यानी कि आर टाइप को ट्रीट किया इन्होंने, एक्सट्रैक्ट ऑफ डीएनए फ्रॉम कैप्सुलेटेड स्ट्रेन एस थर्ड, एस थर्ड का इन्होंने क्या किया, डीएनए निकाल लिया और उसको किसके साथ ट्रीट किया, आर के साथ, ठीक है। दिस फेनोमेन ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, यही बात एकदम अच्छे से एवरी और ग्रिफ्थ ने नहीं बता पाया, तो इन्होंने बताया कि इस फेनोमेना को जो ट्रांसफ़र किया इन्होंने जेनेटिक मटेरियल को, इस जेनेटिक मटेरियल को आर थर्ड स्ट्रेन में, तो उसी को क्या कहा गया, ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया। तो फिर व्हेन एक्सट्रैक्ट वॉज ट्रीटेड विथ डीएनएज, डीएनएज एक एंजाइम होता है जो किसको डिस्ट्रॉय करता है, डीएनए को, दिस ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी लॉस्ट व्हाइल व्हेन ट्रीटेड विथ प्रोटीज, एंजाइम विल डिस्ट्रॉय प्रोटीन डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। जब इन्होंने
डीएनएज के साथ, ठीक है, उसी मिक्सचर को जिसमें आर थर्ड को ट्रांसफर किया था। डीएनएज क्या करता है, एक एंजाइम है जो डीएनए को ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है, तो डीएनए को तोड़ता है। तो जब इन्होंने उस स्ट्रेन में डीएनए को डाला तो आर स्ट्रेन क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक। इसका मतलब वो क्या था, जेनेटिक मटेरियल था, डीएनए उसमें था। और जब इन्होंने उसी में प्रोटीएज डाला, एक ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को ट्रांसफॉर्म करता है, तो प्रोटीएज, अब जब उसमें प्रोटीन था ही नहीं, डीएनए आपका, डीएनए जो है उसका जेनेटिक मटेरियल जो है प्रोटीन का थोड़ी ना बना होता, न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, तो प्रोटीएज डाला तो प्रोटीन रहेगा ही नहीं, तो कैसे टूटेगा। तो इन्हें पता चला कि इसमें क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए से बना है। तो यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ, विद दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल नॉट प्रोटीन, कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है ना कि प्रोटीन। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे स्मूथ एस स्ट्रेन लिया है, ठीक है, इसको पार्टिकली प्योरीफाइड किया सेल को। अब एक तरफ क्या लिया, एक सेल का एक्सट्रैक्ट लिया यहाँ पे, और डीएनए से ट्रीट किया, ठीक है। ट्रीटेड सेल एक्सट्रैक्ट मिक्स्ड विथ आर स्ट्रेन नॉन पैथोजेनिक जो था, उसको इनक्यूबेट किया और माउस में क्या किया, इंजेक्ट किया। माउस जिंदा था, ठीक है, क्योंकि डीएनएज क्या किया, उसको तोड़ दिया, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया। लेकिन यहीं जब यहाँ पे क्या किया, प्रोटीएज डाला गया, तो वो तो प्रोटीन को तोड़ेगा, जबकि यहाँ पे डीएनए को डाला गया था। अब डीएनए क्या हुआ, माउस में इंजेक्ट जब किया गया तो वो माउस में पास हो गया, जिसकी वजह से वो मर गया, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन। तो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बताया कि हेरिडेटरी मटेरियल जो है ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जो कि क्या होता है, डीएनए, ठीक है। डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, ठीक है, जो कि किसका बना होता है, न्यूक्लिक एसिड का, जिसे पहले न्यूक्लिन और न्यूक्लिक एसिड नाम दिया जा चुका है पहले साइंटिस्ट के द्वारा, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। और इन्हीं के ऊपर बेस्ड, ग्रिफ्थ के ही एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड, एवरी की टीम ने, मैकलियार्ड, मैककार्टी एंड एवरी ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने आइसोलेट किया था डीएनए को। आइसोलेट का मतलब उन्होंने बैक्टीरिया से डीएनए को क्या किया था, ये बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म था, ये बैक्टीरिया था, उसमें डीएनए था, उसको क्या किया था, आइसोलेट यानी कि अलग किया था, ठीक है, और प्रूव किया था यही क्या है, जेनेटिक मटेरियल। लेकिन इस बात को इतने दोनों लोगों के प्रूव करने के बाद भी माना नहीं गया, जब तक हर्षी और चीज ने अपना एक्सपेरिमेंट पब्लिश नहीं किया। जब इनका रिजल्ट पब्लिश हुआ तब जाके माना गया कि जो है जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ठीक है। तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरियोफाज पे, मैं बैक्टीरियोफाज थोड़ा सा आपको लोगों को दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का दिखता है बैक्टीरियोफाज, ये देख सकते हैं, इसमें बैक्टीरियोफाज कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें आपका कैप्सिड की हेड पाई जाती है, कैप्सोमियर पाया जाता है, वायरस अगर आपने पढ़ा होगा तो जरूर वहाँ कैप्सोमियर का नाम पढ़ा होगा। ये इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, इसकी कॉलर पाई जाती है, बेसिकली ये हेड, कॉलर और टेल में डिवाइडेड होता है, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर पाया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कैप्सिड की हेड पाई जाती है, बीच में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, ये यहाँ पे कॉलर पाया जाता है, टेल पाई जाती है या ट्यूब लाइक सीथ पाई जाती है, यहाँ पे स्पाइक्स, इसको क्या कहते हैं, स्पाइक्स, कांटेदार होते हैं स्पाइक्स, और यहाँ पे नीचे की तरफ बेस प्लेट पाया जाता है, जिससे क्या होता है, ये चिपकता है, इस तरीके से बेस प्लेट पाया जाता है। तो ये कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, इस तरीके से आप इसको जनरल अगर मैं बनाऊँ तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, जनरली सिक्स टेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये होता है आपका बैक्टीरियोफाज। अब इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि बैक्टीरियोफाज एक्सपेरिमेंट क्या था, इसमें क्या बताया गया है। तो इसकी, इसको जो है किसने बताया था, 1952 में एडी हर्से और एमजे चेज दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने T2 बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज भी कई तरीके का होता था, तो इन्होंने किस पे वर्क किया, T2 बैक्टीरियोफाज, ठीक है, इनका वर्क था T2 बैक्टीरियोफाज पे, ठीक है। अब इन्होंने किया क्या, ठीक है, इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट तो हम सब पढ़ते हैं, तो इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, तो इनका एक्सपेरिमेंट था कि इन्होंने कल्चर किया वायरस को दो टाइप के मीडियम में, ठीक है, वायरस लिया, ठीक है, वायरस लिया, ये मान लीजिए कोई वायरस है, इसको दो टाइप के मीडियम में, दो प्लेट में इस तरीके से कल्चर किया।
पहले प्लेट में इन्होंने क्या डाला, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में आप सबने सुना होगा, मैडम क्यूरी के बारे में आप सबने सुना होगा, जिन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट की डिस्कवरी पे बहुत ज़्यादा वर्क किया था, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। रेडियो एक्टिव एलिमेंट फॉस्फोरस 32, फॉस्फोरस को लेवल किया 32 और यहाँ पे वायरस को कल्चर किया। और दूसरा इन्होंने अदर सेट लिया, ये हो गया आपका ए, दूसरा हो गया बी। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, सल्फर, सल्फर 32 को कल्चर किया, ठीक है। अब जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए, जो डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है उसमें क्या होता है, फॉस्फोरस पाया जाता है। अब आप ये जान गए होंगे कि दो चीज़ें इन्होंने की, कि इन्होंने क्या लिया, एक ऑर्गेनिज्म लिया, ठीक है, जिसमें क्या किया, दो चीज़ें कल्चर की, एक में एक प्लेट में क्या किया इन्होंने, फॉस्फोरस 32 को लिया जो आपका ए प्लेट हो गया, और बी प्लेट पे इन्होंने सल्फर 35 को लिया, ठीक। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, दो टाइप के वायरस को यहाँ पे वायरसेस, ठीक, वायरस को कल्चर किया और किससे लेबल कर दिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से लेबलिंग लगा दी। जैसे आप कभी कभी अपने गांव में चलते हुए कुछ बैल वगैरह को देखते होंगे जिनके ऊपर कानों के ऊपर ऐसे पीला सा टैग लगा होता है, ठीक है, उसी तरीके से वायरस के ऊपर इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स फॉस्फोरस की टैगिंग कर दी और दूसरा सेट जो कल्चर किया उस पर रेडियो एक्टिव सल्फर की टैगिंग कर दी, टैग लगा दिया, ठीक। तो जब ये टैगिंग हो गई उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ऑब्जर्व किया जो पहला सेट ऑफ वायरस था जिसमें रेडियो एक्टिव डीएनए था और रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं था, ठीक है। यहाँ पे क्या था पाया गया कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीएनए तो पाया गया और रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं पाया गया, ऐसा इसलिए, दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि फॉस्फोरस जो होता है, डीएनए जो होता है वो फॉस्फोरस बेस्ड होता है, यानी कि उसमें फॉस्फोरस कंपाउंड पाया जाता है, जबकि जो प्रोटीन होता है उसमें फॉस्फोरस कंपाउंड नहीं पाया जाता है। तो ऐसा देखा गया कि यहाँ पर क्या है, फॉस्फोरस पाया जा रहा है वायरस में, ठीक है, जब इसको इन्फेक्ट किया गया, और प्रोटीन नहीं पाया जा रहा, ऐसा इसलिए क्योंकि जो डीएनए आपका है उसमें फॉस्फोरस पाया जाता है जबकि प्रोटीन में नहीं पाया जाता है। बाद में दूसरे सेट में वायरस में देखा गया कि रेडियो एक्टिव प्रोटीन था लेकिन रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं था, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे सल्फर से जो है लेबलिंग की गई थी, तो सल्फर केवल और केवल क्या करता है, प्रोटीन को लेबल करता है, सल्फर प्रोटीन में पाया जाता है। जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर वगैरह आपने पहले ही यूनिट उसमें पढ़ा होगा सेमेस्टर में, तो प्रोटीन सिस्टीन का आपने नाम सुना होगा, मेथियोनिन का नाम सुना होगा, सिस्टीन, ठीक है, सिस्टीन अमीनो एसिड पाया जाता है, मेथियोनिन, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब इन सब में क्या होता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं, इनमें सल्फर प्रेजेंट होता है। तो दूसरे कल्चर में क्या किया, पहले कल्चर में P32 वायरस में और दूसरे कल्चर में सल्फर 35। तो दूसरे कल्चर में क्या पाया इन्होंने, प्रोटीन पाया लेकिन यहाँ पर डीएनए नहीं था। तो द होस्ट फॉर इन्फेक्शन इन ई कोलाई बैक्टीरिया, जब इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, तो द वायरस अलाउड टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया बाय रिमूविंग द वायरल कोड्स थ्रू मेनी टाइम्स ऑफ बेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, कई बार बेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, ब्लेंडिंग का मतलब होता है ब्लेंड करना किसी चीज़ को, हिलाना, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब, सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक भी आप पढ़ेंगे होती है, जब आप लैब में जाएंगे, बड़े क्लासेस में जाएंगे तो, या अभी से भी आपको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन दिखाई जाएगी, उसमें किसी चीज़ को मान लीजिए अगर लिक्विड और सॉलिड एक साथ क्या है, इस तरीके से ट्यूब पाई जा रही है, इसमें लिक्विड भी पाया जा रहा है और सॉलिड, तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में जाके उस तरीके से रोटेट करता है तो लिक्विड ऊपर की तरफ आ जाएगा और सॉलिड नीचे बैठ जाएगा, यही काम करता है, ठीक है। अब इनकी मैं इस तरीके से समझाती हूँ आपको, ये डायग्राम आप देखिए, बैक्टीरियोफाज का यही एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है। पहले में इन्होंने क्या किया, सल्फर लेवल प्रोटीन, ठीक है, सल्फर को लेबल किया, और दूसरे में क्या किया, फॉस्फोरस को लेबल किया। अब इसको ई कोलाई में इन्फेक्ट किया, ये देखिए बैक्टीरियोफाज आया और इसने अपना क्या किया, मटेरियल दो था, ठीक है, एक में ये सल्फर इनकोटेड था, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे ये अंदर आ गया, ठीक है, दोनों ने अंदर आ गया। जब से यहाँ पे पहले इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्ट किया गया एक कोलाई के द्वारा, दूसरा ब्लेंडिंग की गई, ब्लेंड किया गया, ठीक, और तीसरा क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। सेंट्रीफ्यूगेशन में देखा गया कि यहाँ पे सल्फर सेल में नहीं आया, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद फॉस्फोरस सेल में आ गया, ऐसा इसलिए क्योंकि जेनेटिक मटेरियल डीएनए इसमें था, तो यहाँ पे क्या आ गया, फॉस्फोरस आ गया, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन आया, प्रोटीन में जेनेटिक मटेरियल था नहीं, तो इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे
जो फास्फोरस वाला लेवल था, जहाँ पे सल्फर आया वहाँ वो प्रोटीन को लेबल करता है, तो प्रोटीन जब रहेगा तो वो डीएनए को क्यों रिप्रेजेंट करेगा, जबकि यहाँ पे आप जब देखेंगे तो फास्फोरस आया क्योंकि वो डीएनए का जेनेटिक मटेरियल था, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें। ठीक, तो यहाँ पे इनके एक्सपेरिमेंट में यही बताया गया, ऑब्जर्वेशन इन्होंने यही बताया कि ई कोलाई बैक्टीरिया विच इज़ इन्फेक्टेड बाय रेडियो एक्टिव डीएनए वायरस ए इज़ रेडियो एक्टिव, बट वंस दैट इन्फेक्टेड बाय रेडियो एक्टिव प्रोटीन वायरस बी इज़ नॉन रेडियो एक्टिव। जो पहले मैंने बताया कि ए जो P32 के द्वारा इन्फेक्टेड था उसमें क्या था, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल था, जबकि जिसमें प्रोटीन था वो रेडियो लेवल्ड अपने आप को शो नहीं कर रहा था, सल्फर 35। ठीक, और कंक्लूजन इन्होंने क्या बताया अपना, एक रिजल्ट क्या बताया, रिजल्टेंट रेडियो एक्टिव एंड नॉन रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया इन्फर दैट वायरसेस दैट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए ट्रांसफर देयर डीएनए टू बैक्टीरिया, बट वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन डिड नॉट गेट ट्रांसफर्ड। जो वायरसेस, ठीक है, P32 के द्वारा, यानी कि इसके द्वारा लेवल्ड थे P32 के द्वारा ए वाले, उन्होंने क्या किया, उसको इन्फेक्ट किया वायरस को। ठीक है, वो बैक्टीरियोफाज वायरस को इन्फेक्ट किया और वहाँ पे डीएनए को देखा गया। ठीक है, जबकि जो सल्फर के द्वारा P35 के द्वारा था वो क्या किया, प्रोटीन वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। तो यहाँ ये प्रूव हुआ इनके एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि हैंस डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन। तो ये ये जो है हर्से और चेस का बैक्टीरियोफाज एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने बैक्टीरियोफाज को लेकर एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए इसे बैक्टीरियोफाज एक्सपेरिमेंट, और हर्से और चेस दो साइंटिस्ट थे तो उनके रिस्पेक्ट में इनका नाम दिया गया। आगे के भी हम आज पढ़ते हैं, उसके बाद भी कई सारे साइंटिस्ट ने दिए, सबसे लेटेस्ट मॉडल था वॉटसन एंड क्रिक, और यहाँ आपका ख़त्म हो जाएगा ये। तो उसके बाद आए एक साइंटिस्ट जो थे आपके कॉलेट एंड रॉकर, वेंड्रेले, एंड्रयू बोविन, तीन साइंटिस्ट थे, कॉलेट, रॉगर वेंड्रेले, एंड्रे वेविन बोविन। ये तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया, इन्होंने बताया कि हमारे सेल में, हमारी बॉडी में दो तरीके की सेल पाई जाती हैं, सोमैटिक सेल जो ऑल ओवर सेल में पाई जाती हैं, और जर्म सेल, ठीक है, जो जाइगोट वगैरह में पाई जाती हैं, जहाँ से क्या होता है, बेबी बनता है। ठीक है, जाइगोट जो बनाता है। तो इन्होंने देखा कि आपकी बॉडी में अगर कहीं भी जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है तो जेनेटिक कंटेंट वाज कंसिस्टेंट थ्रू ऑल सेल ऑफ द बॉडी। ऑल सेल ऑफ द बॉडी में क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है विद इन द सेम मेंबर ऑफ द स्पीसीज, एक ही स्पीसीज का जो सेम मेंबर है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंसिस्टेंस रहता है, चेंज नहीं होता है। ये एक एविडेंस प्रोवाइड किया किसके बारे में, कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो दिया था इसके पहले साइंटिस्ट ने वो क्या था, सही था। ठीक है, उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, एरविन चारगाफ, जिन्होंने चारगाफ रूल भी दिया। ठीक है, एरविन चारगाफ आए, इन्होंने चारगाफ रूल दिया। ठीक है, बेसिकली इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, AGCT, जो आप कंटेंट पढ़ते हैं डीएनए में, अभी मैं डबल हेलिक्स मॉडल में दिखाऊंगी भी कि ATGC बराबर A इज इक्वल टू डबल बॉन्ड T, G ट्रिपल बॉन्ड C, ये बराबर होता है, ये चीज़ जो आप पढ़ते हैं इसको पहले इंट्रोड्यूस किया एरविन चारगाफ ने। ठीक है, और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि किसी स्पीसीज में, ठीक है, जो एडेनिन होता है वो हमेशा इक्वल होता है थायमिन के, ए इज़ इक्वल टू टी हमेशा, और जो सेम रेशियो साइटोसिन जो होता है वो गुआनिन के बराबर होता है, सी जो होता है हमेशा गुआनिन के बराबर होता है, और इस नियम को चारगाफ रूल कहा गया। ठीक है, बेसिकली जो है इन्होंने हर्से और चेज ने बता दिया कि हाँ डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, उसके बाद बोविन वगैरह आए, उन्होंने बताया कि ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट सही था। अब डीएनए में एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, चार जो न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, जिनको कि आप कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह पाए जाते हैं, वो क्या थे, प्यूरीन और पिरिमिडीन। ठीक, वो ये चारों थे, और इन चारों में भी एडेनिन जो है थायमिन के बराबर होता है, और साइटिन और गुआनिन के बराबर होता है, साइटोसिन गुआनिन के बराबर होता है, ये बात एरविन चारगाफ ने बताई, जिसे कि चारगाफ रूल भी कहा गया। उसके बाद एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जो थे रॉसलैंड फ्रैंकलिन। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या किया अपने रिसर्च में 1952 में
रोसलिंड फ्रैंकलिन ने क्रिस्टलाइज किया मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए को, एक मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए को क्रिस्टलाइज किया, क्रिस्टल बनाया किसी चीज़ का क्रिस्टल। जैसे आप नमक, पहले नमक आता था जो वो खड़ा खड़ा, अभी आप देखते हैं पाउडर में नमक आता है, पहले नमक खड़े में आता था, इस तरीके से गोल गोल तरीके से क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता था। तो उसी तरीके से इन्होंने जो डीएनए मॉलिक्यूल को था उसको क्रिस्टलाइज किया। From the X-ray diffraction image Franklin obtained, she demonstrated that DNA contained a regularly repeating helical structure. This image allowed precise calculation of the molecular spacing in DNA. इन्होंने बताया अपने जो क्रिस्टलाइज किया DNA को, उसके बाद X-ray diffraction, X-ray में इन्होंने देखा कि जो DNA है उसमें हेलिक्स पाया जा रहा है, इस तरीके से स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, हेलिक्स के फॉर्म में स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, ठीक है। जो हेल्प किया उसकी मॉलिकुलर स्पेसिंग, मतलब उसमें कितना स्पेस होता है, 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, ये पिच कितना एंगस्ट्रॉम का होता है, ये सारी चीज़ें डबल हेलिक्स DNA में, जब मैं आपको DNA का स्ट्रक्चर इसके आगे आपको पढ़ना है वो बताऊँगी तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे, उसके बारे में इन्होंने बताया। लास्ट मॉडल आया वॉटसन एंड क्रिक का, सबसे लेटेस्ट, इनके बाद भी कई सारे साइंटिस्ट ने अपने, अभी भी रिसर्च जारी है, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड प्रेजेंट टाइम में मॉडल है वो है आपका वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल, ठीक है। दो साइंटिस्ट थे, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, ठीक। ये दोनों साइंटिस्ट ने मॉडल दिया DNA को 2 ईयर लेटर उनके बाद, ठीक है। देयर मॉडल वॉज नोन एज डबल हेलिक्स, ठीक है। इवन That consisted of evenly spaced pair of bases connecting two strand, जो evenly spaced दो strand से मिलकर बने होते हैं इस तरीके से, ठीक। डायग्राम में दिखाती हूँ, ये देखिए ये स्ट्रक्चर है आपका DNA का, इस तरीके से पाया जाता है, evenly spaced होते हैं ये, ठीक है। ये देख सकते हैं एक strand और इसके अराउंड दूसरा स्ट्रैंड, और ये हमेशा इसी 3 प्राइम टू 5 प्राइम हमेशा इसी इसमें पाए जाएंगे। 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्यों कहा जाता है, जब मैं आपको DNA का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसे 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्यों कहा जाता है, ठीक है। जो सुगर और न्यूक्लियोटाइड इनके अंदर बने होते हैं उसके बेसिस पे इनका नाम दिया जाता है, जब मॉलिकुलर स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे DNA का तब जानेंगे, ठीक है। तो आप इनका देखते हैं, इन्होंने यही बताया कि ये इवेनली स्पेस्ड होते हैं, मतलब इनके बीच में जो स्पेस होता है वो इवन होता है, मतलब बराबर होता है। इट वॉज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द मेजरमेंट बिटवीन बेसिस एंड द नंबर ऑफ बेसिस पर टर्न, इसके द्वारा, इस प्रिडिक्शन के द्वारा बेसिस के बीच, बेसिस जो थे एडेनिन गुआनिन थायमिन साइटोसिन, जिसको बेसिकली प्यूरीन पिरिमिडिन दो के अंदर बेसिस डिवाइड किया गया है, प्यूरीन और पायरिमिडिन, ये सब आप पढ़ेंगे जब न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे DNA पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने इसके बेस पे उनका मेजरमेंट डिसाइड हो गया कि इनके बीच में कितना मेजरमेंट पाया जाता है, और पर टर्न, ये जो टर्न पाई जा रही है, ठीक है, ये जो टर्न पाई जा रही है इस तरीके से, इनके बेस में कितना बेस होता है ये भी जाना गया, ठीक है। फर्दर देयर वर रिस्ट्रिक्ट बेस पेयरिंग रूल टू अकाउंट देयर मेजरमेंट, दे डिस्कवर्ड द थायमिन कुड ओनली पेयर विथ एडनिन, ये भी डिस्कवर किए कि थायमिन जो केवल एडनिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एंड गुआनिन फॉर्म्ड विथ साइटोसिन, और गुआनिन साइटोसिन के साथ बनाएगा, दिस मैच विथ चारगाफ रूल, जो कि चारगाफ रूल के साथ मैच हुआ। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बताया गया है कि इस तरीके से ये फॉस्फेट और सुगर की बैकबोन पाई जाती है, ठीक है। ये जो बैकबोन है ये किसकी बनी होती है, फॉस्फेट और सुगर की बैकबोन पाई जाती है, और इनके बीच में ये एडेनिन साइटोसिन गुआनिन थायमिन, जिसमें ए टी के साथ बॉन्ड बनाता है, सी जी के साथ बनाता है, आप जैसा कि देख सकते हैं सी जी के साथ बनाया हुआ है यहाँ डायग्राम में, और ए टी के साथ बनाया हुआ यहाँ आप देख सकते हैं, ये पेयरिंग इन्होंने चारगाफ रूल में ये बताया, ठीक है। तो ये थे रूल आपके, चारगाफ का रूल, चारगाफ के रूल में बताया गया कि जो सुगर, कई सारे नियम थे चार उनके, सॉरी वॉटसन एंड क्रिक के, उन्होंने बताया कि जो ये बैकबोन होती है, ठीक है, यानी कि ये चीज़, ये बैकबोन, ये जो आप देख रहे हैं ये सुगर और फॉस्फेट की बनी होती है, किसकी, सुगर एंड फॉस्फेट की बनी होती है, और इनके बीच में क्या पाए जाते हैं,
प्यूरीन एंड पिरिमिडीन पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं जिसमें से ए टी के साथ पेयरिंग करता है और साइटोसिन गुआनिन के साथ पेयरिंग करता है। अब इसमें भी जो ये पेयरिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा होती है। जब ए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है दो हाइड्रोजन बॉन्ड टी के साथ, जबकि जी जो है तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है सी के साथ। इसकी भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे जब आगे की क्लासेस आप पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ ये जितनी भी चीज़ें हैं अभी शुरू से लेकर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में आपको समझ में आ गई होंगी, और आज का बेसिक जो था हर्से और चेज का एक्सपेरिमेंट वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, उसके बाद भी की भी चीज़ें कि किसने क्या क्या डिस्कवरी की, क्योंकि क्वेश्चन आपके कहीं से भी पूछ सकता है जब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात की है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। बने रहे इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।